अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। स्टेटिस्टिक फॉर ऑल की सीरीज हमारी चल रही है जी, और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है काई स्क्वेयर। एक वीडियो हमने काई स्क्वेयर पे पहले बनाई थी, जिसपे हमने उस पर एक सिंपल से न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, और हमने बताया था कि सिक्स स्टेप्स जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के हैं उसमें काई स्क्वेयर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और हमने भी बताया था कि काई स्क्वेयर बेसिकली होता क्या है और ये टेस्ट किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। आज उसी जमन में थोड़ा सा एक उसमें एक एडवांस लेवल पे हम जाते हैं, और फर्स्ट करें कि हमारे पास जो फार्मूला है, जैसे हमारे पास फार्मूला था, आपको याद होगा एन एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वेयर, तो एस की वैल्यू गिवन होती थी और हम उसमें वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेते थे। नाउ व्हाट इफ देयर इज नो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको वैल्यू दी ही ना हो तो फिर हमें कैसे कैलकुलेट करनी है? तो ये बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम देखते हैं। फर्ज करें एक कंपनी है और वो बना रही है वाटर बॉटल्स बना रही है, ये जूस की बॉटल्स बना रही है, और उसमें वो नई मशीन उन्होंने लगाई, तो वो देखना चाहते हैं कि ये जो नई मशीन हमने लगाई है इसके जो मेजरमेंट में या इसकी जो परफॉर्मेंस की वेरिएशन जो है वो कम हुई है या नहीं हुई। तो जो पुरानी मशीन थी फॉर एग्जांपल उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो चल रही थी, जो मशीन की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 15.2। तो हमने क्या किया कि हमने 10 बोतलें ली और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो चेक की, तो वो परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, पहली बोतल की परफॉर्मेंस जो है या उसकी जो वेट है, लेट्स सपोज वो 987 है, दूसरे का 966 है, एंड देन सो ऑन, राइट। ये 10 बोतलें हमने ली और हम देखना चाहते हैं कि इसकी जो वेरिएशन है, यानी इसके जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आया सैंपल के साथ मैच करता है, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। और क्लेम ये है, मैंने जो कहा कि जो नई मशीन है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी वेरिएबिलिटी, उसका जो डिफरेंस है परफॉर्मेंस के अंदर, जो स्प्रेड है वो कम हो रहा है। तो अब हमारे पास जो सिग्मा है वो 15.2 है और 10 बॉटल्स हमने ले लिए, कहते हैं जो नई मशीन है उसका उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पहली वाली से कम, यानी वेरिएंस जो है उसकी परफॉर्मेंस में वो कम है। तो गोया कि हम कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, कि तकरीबन एक जैसी वो परफॉर्मेंस दे रही। तो अब ये हमारे लिए एक पैरा टेक्निकल पॉइंट, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो इक्वल टू या नॉट इक्वल टू या एच नॉट जो इक्वल टू वर्सेस ग्रेटर देन किया, तो ये पहला हमारा इसमें हम इसको सीखेंगे। दूसरा पॉइंट फिर, चूंकि हमारे पास सिंपली एस की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम उसको भी सीखेंगे, तो भी आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला स्टेप हमारा हो गया फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, दूसरा सिग्मा सिग्निफिकेंस लेवल, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास ये होता है काई स्क्वेयर का, ये भी हमें मालूम है, हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे पास एस नहीं है, एस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जो स्टैंड डेविएशन के जो फार्मूला है हमने पढ़ा हुआ है बहुत शुरू में टेस्टिंग हाइपोथेसिस से भी पहले, कि फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या फार्मूला था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होता है, ठीक है। तो चूंकि एन इधर आ जाएगा तो ये इन दोनों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एस क्या होता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तो वो एन हम नीचे से उठा के इधर लगा दिया तो ये एन एस के बराबर ये वाला टर्म हो जाएगा, नीचे अपना वाला सिग्मा एज इट इज आ गया, ठीक है। फिर हमने करनी है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे, ये हमने सारी वैल्यूज लिख दी एक्स, अच्छा अब हमें ये मालूम है कि जो ये वैल्यू है एक्स माइनस एक्स बार, ये बराबर होता है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन के, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्योंकि एन के ऊपर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें दो वैल्यूज चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन एक्स तो हम इससे ले लेंगे, इसको हमने सम कर लिया तो 9713 आ गया, ये वैल्यू हमने यहाँ पे इधर पुट कर दी। एन हमें मालूम है 10, समेशन एक्स स्क्वायर क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर सिंपली इसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, इसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, इसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, इसका स्क्वायर यहाँ, ये थोड़ा सा काम आपने करना है, ठीक है, क्योंकि सारा काम मैं करूंगा तो आप सो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप भी करेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा। अच्छा, बहरहाल इसको जब सम करेंगे तो आपके पास ये सम आ जाएगा, ये मैंने आपको हेल्प वैल्यू दे दी ताकि आपको क्रॉस चेकिंग में आसानी हो जाए, 943537 ये हमारे पास वैल्यू है।
अब ये वैल्यू हमने ये एक्स स्क्वायर में यहां पुट कर दी, ये एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू, ये एक्स समीशन एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू यहां पे आ जाएगी और 10। इसको हमने सॉल्व किया, 9713 का स्क्वायर लिया, उसको 10 से डिवाइड किया, जो वैल्यू आ गई उसमें उसको इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये है एन एस स्क्वायर, तो एन एस स्क्वायर में हमने ये वैल्यू डाल दी सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा हमें गिवन है, देखिए अभी तक लास्ट क्वेश्चन में हमें जो हमने किया था वीडियो बनाई थी उसमें ऑलरेडी सिग्मा स्क्वायर गिवन था, इसमें सिर्फ हमें सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की गिवन है, ठीक है। तो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 15.2 है, तो ये 15.2 हमने लिखा और होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है, ठीक है, वेरियंस हमें चाहिए होता है। इसका स्क्वायर लिया, जो वैल्यू आ गई, फिर इससे उसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई काई स्क्वायर की, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, क्रिटिकल रीजन का चौथा पांचवां स्टेप। अब क्रिटिकल रीजन क्या है, हमारे पास क्रिटिकल रीजन है काई स्क्वायर इज लेस देन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, सॉरी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड शुड बी लेस देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड, यानी टेबल से जो वैल्यू ली है उससे ये काम होना चाहिए। टेबल से हमने कैसे वैल्यू निकालनी है, हमारा सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, चूंकि ये वन टेल है तो एज इट इज अल्फा आ जाएगा, टू टेल होता तो हम इसको टू से डिवाइड करते हैं, एन माइनस वन, एन कितना है 10, 10 माइनस वन, तो आप टेबल बुक खोलेंगे, टेबल में देखेंगे 0.05 की वैल्यू 9 के अगेंस्ट क्या आ रही है, तो वो आ रही है 3.32, क्लियर हो गया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है कि एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है इसको। ये हम ऐसे बेल शेप बनाते हैं ये काई स्क्वायर की, ठीक है, ये है हमारा टेबल से जो वैल्यू आई है, ठीक है। अब वैसे तो हम उस तरफ क्रिटिकल रीजन लिया करते थे, आपको याद होगा, और इस तरफ एक्सेप्टेंस रीजन होता था, लेकिन चूंकि ये लेस देन है 15.2 से लेस, तो इससे लेस देन ये क्रिटिकल रीजन हो जाएगा और इससे ग्रेटर देन जो होगा वो एक्सेप्टेंस रीजन में चला जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यू जो है वो आ रही है 4.81, ये कहां पे आ रही है, ये इधर आ रही है एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है, क्योंकि ये से बड़ी है 3.32 से ये वैल्यू बड़ी है 4.81, तो ये यहां पे लाइक कर रहा है, तो ये कौन सा रीजन है, एक्सेप्टेंस रीजन। तो हम क्या कहेंगे, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन, हेंस वी एक्सेप्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट द न्यू मशीन डज नॉट हैव बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि हाइपोथेसिस ये था कि जो नई मशीन है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, क्यों, क्योंकि उसकी वेरिएशन कम है, वो बिल्कुल क्लोज वेरिएशन दे रही है, तो 15 से उसकी वेरिएशन कम होनी चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गई तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे, तो एच नॉट हमारा क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 15.2, तो ये वाला हाइपोथेसिस क्रॉस हो गया, ये वाला एक्सेप्ट हो गया। तो इधर हम लिख देते हैं, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है, यार मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं एक्सेप्टेंस रीजन, हेंस वी कंक्लूड दैट द न्यू मशीन, हेंस सॉरी ये एक जुमला लिखें, ऐड कीजिएगा, ओ जस्ट मैंने अपने इधर लिखेंगे, यहां लिख दीजिएगा, हेंस वी एक्सेप्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट द न्यू मशीन does not have better performance, ठीक है। और ये इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आधा सा काम तो उस क्वेश्चन में लिखा होता है कि जी ये मशीन थी और ये बोतलें भरने वाली मशीन थी और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ये थी, तो क्या आप बताएं कि क्या ये परफॉर्मेंस बेहतर हो गई कि नहीं, तो हमने कहा जी बेहतर तब होती कि ये कम होता, ये वाला हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता, लेकिन ये तो रिजेक्ट हो गया, ये वाला एक्सेप्ट हो गया, लिहाजा बेहतर नहीं है, तो हम उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, वही सिक्स स्टेप्स हैं
सिर्फ इसमें ये था कि हमारे पास स्ट्रेट अवे सिग्मा की सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हमने उसको इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, इसको भी कैलकुलेट करें और फिर इसको देखें कि आपका जवाब मेरे जवाब के साथ मैच करता है कि नहीं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अक्सर एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक।